हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने आपको सीधे ले आया है गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर। ठीक है, जो कि है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से है। ठीक है, आज जो है कुछ देर पहले ही गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो कि शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। ठीक है, जो CTET पास कर चुके हैं, ठीक है, CTET या फिर अपने स्टेट का TET जो पास कर चुके हैं, या फिर जो अपनी स्टेट का TET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CTET यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है आप लोग समझ गए होंगे। ये न्यूज़ जो है 7 ईयर यानी कि जो वैलिडिटी इसकी पहले रखी गई थी, 7 साल की वैलिडिटी थी, इसके बाद इसकी डेट जो है एक्सपायर हो जाती थी, डेट समाप्त हो जाती थी और आपको फिर से जो है CTET का एग्ज़ाम या फिर अपने स्टेट के TET का एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अब जो है रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा हुआ है आप लोग यहां से देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 ईयर टू लाइफ टाइम, यानी कि 7 ईयर से बढ़ा करके उसकी वैलिडिटी को अब लाइफ टाइम कर दिया गया है। हर TET की वैलिडिटी को, चाहे वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर स्टेट की TET हो, ठीक है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं की भी TET हो, उसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम तक कर दिया गया है। और एक चीज़ और इसमें है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी ओर मैं आप लोग को ले चलता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है ऐसे स्टूडेंट के लिए भी जिनका जो है TET की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, कई लोग जो है TET की एक बार जो वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो कई लोग दोबारा से TET नहीं पास कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एक बार वैलिडिटी समाप्त हो गई है बट अभी तक वो लोग पास नहीं कर पाए हैं, वो लोग अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी भी छोड़ चुके हैं, पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि इसको कब से प्रभाव में लाया जाएगा, 2011 के डेट से। ठीक है, यानी कि जो 2011 से इसको प्रभाव में लाया जाएगा, जो भी स्टूडेंट 2011 में अपना TET पास किए होंगे, CTET पास किए होंगे, स्टेट का TET पास किए होंगे, उनकी वैलिडिटी को अब लाइफ टाइम किया जाएगा, जिनकी वैलिडिटी अभी समाप्त भी हो चुकी होगी। ठीक है, चाहे उन्होंने 2011 में दिया हो या 12 में दिया हो या 13 में दिया हो, उनकी वैलिडिटी को बढ़ा करके पूरी तरह से लाइफ टाइम कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, स्क्रीन में मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये जो है आज की, बिल्कुल आज की ही ये न्यूज़ है। ठीक है, ये 3 जून की न्यूज़ है और कुछ समय पहले ही इसको रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर बाकायदा टाइम भी दिया हुआ है, 1:41, तो जस्ट इसको कुछ समय पहले ही रिलीज़ किया गया है और आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि रमेश पोखरियाल निशंक ने ये अनाउंस किया है कि जिनकी भी जो भी वैलिडिटी थी TET की, ठीक है, चाहे वो स्टेट के TET हो चाहे CTET हो, ठीक है, चाहे स्टेट के TET हो या फिर सेंट्रल TET हो, ठीक है, CTET हो, उसकी वैलिडिटी को जो 7 साल से बढ़ा करके लाइफ टाइम उसको कर दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पास कर चुके हैं इस CTET को या फिर अपने स्टेट के TET को, उनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम तक रहने वाली है, दोबारा उनको TET की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ कहा हुआ है कि इसे जो है 2011 से प्रभाव में लाया जाएगा और जो भी कैंडिडेट हैं 2011 के बाद जिन्होंने भी TET का एग्ज़ाम दिया है उनको भी इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, उनकी वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, ये उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। ये नोटिस जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो CTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, जो उसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल और अच्छे से तैयारी करें। एक बार जब उनकी CTET या फिर कोई भी स्टेट की TET भी अगर उनकी निकल जाती है तो फिर वो लाइफ टाइम की हो जाएगी, उसके बाद उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए और किसी भी जो है
भाग लेने के लिए, किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए उनको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह इस बात को आप सभी स्टूडेंट तक फैला देंगे, ठीक है, कि जो भी हार मान के अब बैठ चुके होंगे, जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई होगी, वो भी अब इस कंपटीशन में बने रह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही एक न्यूज़ थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। आई होप आप इस न्यूज़ को, इस ब्रेकिंग जो भी नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस PDF को जो है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यही एक न्यूज़ थी। अब मिलते हैं आपके फिर से अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।